नाम ज्योति साहा है और मैं एमएल खन्ना डीएवी पब्लिक स्कूल में एक फैसिलिटेटर हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार छोटी सी कहानी। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। इस कहानी का नाम है पतंग से उड़ना सीखो। 15 अगस्त का दिन था, आसमान में ढेर सारी पतंगे उड़ रही थी। एक पतंग कटकर नीचे की ओर आ रही थी। एक चिड़िया एक पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी थी। वह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। चिड़िया के बच्चे उड़ने से डर रहे थे। एक बच्चा बोला, अरे माँ देखो, एक पतंग आ रही है। चिड़िया माँ ने कहा, डरो मत बच्चों, पतंग की डोर को कस कर अपनी चोंच से पकड़ लो। सभी बच्चों ने डोर को अपनी चोंच से दबा लिया और वो पतंग के साथ उड़ने लगे। सबको खूब मजा आने लगा। पर अचानक उड़ते उड़ते उनके मुंह से डोर छूट गई और वह तेजी से नीचे गिरने लगे। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए अपने पंख जल्दी जल्दी फड़फड़ाने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि वह हवा में उड़ रहे हैं। उन्हें खूब मजा आया क्योंकि अब उन्होंने उड़ना जो सीख लिया था। तो बताओ बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। आप बताइए, अगर चिड़िया के बच्चे डर जाते तो क्या वो कभी उड़ना सीखते? नहीं। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, हर चीज का अभ्यास करते रहना चाहिए। चलिए अब मैं आपको इस कहानी से रिलेटेड, इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप मुझे उत्तर देंगे। आकाश में ढेर सारे क्या उड़ रहे थे? कौवे, हवाई जहाज या पतंगे? बिल्कुल सही, पतंगे। अब मेरा दूसरा सवाल, चिड़िया माँ अपने बच्चों को क्या सिखा रही थी? खाना पकाना, उड़ना या पढ़ना? बिल्कुल सही, उड़ना। बच्चे क्यों नहीं उड़ पा रहे थे? क्या वे बच्चे आलसी थे, या उनके पास पंख नहीं थे, या वे डर रहे थे? शाबाश, वे डर रहे थे इसीलिए वे उड़ नहीं पा रहे थे। अब दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द कहानी में से ढूंढकर बताइए। यानी इस कहानी में जो शब्द मैं आपको दूंगी उसका उल्टा अर्थ वाला शब्द आपको मुझे बताना है। पहला शब्द है ऊपर। हाँ बिल्कुल सही, ऊपर का उल्टे अर्थ वाला शब्द होता है नीचे। दूसरा शब्द है रात। रात का विपरीत शब्द कौन सा हुआ? दिन। शाबाश। चलिए अब आज हमारी यहाँ कहानी खत्म होती है। अब अगली बार मैं आपके लिए फिर से एक नई और एक बहुत मजेदार कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।